तो यहाँ पर एक मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो कि इटाली वोमेन वर्सेस गिब्राल्टर वोमेन के बीच में हुआ था। इटाली प्लेयर बैटिंग करते पे 136 रन बनाए थे और गिब्राल्टर ने सिर्फ 27 रन पर ऑल आउट हुए थे। तो आप गिब्राल्टर से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। गिब्राल्टर जब पहले बैटिंग करेंगे तो 40 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, ठीक है। और जब सेकेंड इनिंग से बैटिंग करेंगे फिर भी दोस्तों ये 30 से लेकर 50 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटिंग से उनको ओपनिंग पर आए थे दोस्तों जो टीम का कप्तान है। यहाँ पर देख सकते हैं एलिजाबेथ फेरी यहाँ पर 0 पर आउट हुई थी। यहाँ पर 2 बार की बॉलिंग भी देंगे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर देख सकते हैं क्रिस टोनी मैकली यहाँ पर 1 रन बनाए थे। फिर एन लेगुआ यहाँ पर 4 रन बनाए थे, ये भी अच्छे प्लेयर है। ये भी आपको 2 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे तो इनको बैक कर सकते हैं। जब पहले बॉलिंग करेंगे गिब्राल्टर तो फिर ये दोनों आपके टीम में मास्टर पिक रहेंगे। एक तो फेरी रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों रहेंगे लेगुआ, ठीक है। दोनों को जरूर बैक करके जाइएगा। फिर देख सकते हैं फिर रोसलैनी रेली यहाँ पर 0 पर आउट हुए थे। यामी भल भेद्रे यहाँ पर 4 रन बनाए थे, ये भी आपको 2 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे। फिर देख सकते हैं हेलेन ने यहाँ पर 1 ही रन बनाए थे। और यहाँ पर देखिए रघुनाथ ने 1-0 पर आउट हुए थे। फिर देख सकते रॉबसन 0, रॉबसन भी मोस्ट प्रोबली 1 से लेकर 2 बार की बॉलिंग भी करेगी। सैली बार्टन 0, फिर देख सकते हैं यहाँ पर लेन का 0 और यहाँ पर वायरा ब्लैक यहाँ पर 0 रन बनाए थे। आइए बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर एलिजाबेथ यहाँ पर फेरी ने 2 बार की फुल बॉलिंग की है तो विकेटलेस। फिर देख सकते हैं एमी भलभेद्रा ये भी 2 ओवर में विकेटलेस पर बॉलिंग अच्छे किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं एन लेगुआ 2 ओवर में 15 रन थे, कोई विकेट नहीं। फिर देख सकते हैं हेलेन ने यहाँ पर 1 ओवर बॉलिंग किया था, काफ़ी ज़्यादा ही पीटे हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं वाई ब्लैक यहाँ पे 2 ओवर में 1 विकेट और यहाँ पर निकोल रॉबसन ने भी 1 ओवर में 1 विकेट चटकाए थे। जेम्स वोमेन वर्सेस इटली वोमेन के बीच में जो मैच हुआ था देख सकते हैं नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 90 रन बना दिए थे और इटली मैच को यहाँ पर जीत नहीं पाए, यानी चेसिंग नहीं कर पाए थे। तो आइए पहले बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं कौन किस नंबर बॉलिंग किए थे। इरिस ज्वेलिंग देखिए 2 ओवर की फुल बॉलिंग किए थे, मैंने आपको वीडियो में बता दिया था पहली वीडियो में। खिलाड़ी हर मैच में 2 ओवर की फुल बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी मोस्ट प्रोबली 1 डाउन से लेकर 3 डाउन के बीच में बैटिंग आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक हिटिंग कर लेती है। फिर देख सकते इसाबेल वैन डर रोइंग ये भी अच्छे बॉलर है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे लेकिन लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग किए थे। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे तो अपने इनको बैक कर सकते हैं। 1 ओवर में 1 विकेट चटकाए थे। यहाँ पर देखिए सी डी ले जिन लास्ट मैच में उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, आपको वीडियो में बता रखा था कि ये खिलाड़ी कैप्टन के लिए सबसे अच्छे पिक रहेंगे, अभी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाइएगा। यहाँ पर देख सकते 2 ओवर में 5 रन देखे, 2 विकेट चटकाए थे। आसान सा स्टम्पिंग में मिस हुआ था, नहीं तो इनको 3 विकेट मिल जाता। इवाल इंच में 2 ओवर में 1 विकेट, इवाल इंच भी मस्ट पिक रहेंगे और या तो इन दोनों को एक साथ में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाइएगा। जब पहले इनसे बॉलिंग करेंगे, चाहे पहले बॉलिंग करें फिर बाद में बॉलिंग करें, जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देख सकते फेर रिजे के अब 1 ओवर बॉलिंग किए थे, ज़्यादा बॉलिंग करेगी नहीं तो फिर ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना। बैटिंग से पास में देख सकते हैं जो कि टीम का कप्तान है दोस्तों बेरिल यहाँ पर 11 रन ही बना पाए, तो विकेट कीपिंग से एक आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे। तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते जब पेरिंग से बैटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए एस टी आर कैली से 39 रन बनाए थे। इरिस जिनिंग 1 डाउन में बैटिंग करना आ गई थी तो आपके लिए मास्टर पिक रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के जाइएगा। एक ओवर डीजे 1 रन बनाए थे। फिर देखे वैन विलेट यहाँ 0 और इवाल इंच भी 15 गेंदों में 18 रन बना दिए थे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। उस सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बी डी रेड, फिर देख सकते हैं एस बार्टन और फिर जे वैन विलेट। ये दोनों कोई कम का है नहीं तो दोनों को सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिए या फिर आपके लिए सेफ और मस्ट पिक रहेंगे बी डी रेड। आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हैं जब नीदरलैंड पहले बैटिंग करेंगे। जब सेकंड इनिंग से बैटिंग करके तब कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाएगा, क्योंकि देखिए गिब्राल्टर का जो टीम है ये ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे तो फिर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको जरूर पिक करूँगा, जब पहले बैटिंग करेंगे तो मेरे को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना के जाऊंगा। बैटिंग सेक्स में एस कैलिस मास्टर पिक रहेंगे और दूसरे पे हेटर से जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे अगर खेलेंगे तो ये भी मास्टर पिक रहेंगे, ठीक है। अगर खेलेंगे तो सीधा सीधा अपने टीम में पिक कर लीजिएगा, लास्ट मैच में नहीं खेले तो इसी के चलते मैंने अभी के लिए पिक नहीं कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए कोई भी खास ऑप्शन नहीं है, आप सीधा सीधा सबको ड्रॉप करके जाइएगा, ठीक है। और जो अभी आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ ना वो रहेंगे दोस्तों ड्रीम 11 की टीम। अदर्स एप्लीकेशन यानी माई मास्टर 11 की टीम मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो माई मास्टर 11 आपका आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दीजिए। इसी वीडियो की फास्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप खेलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। बहुत ही ज़्यादा लेस कॉम्पिटिशन ऐप है और काफ़ी ज़्यादा लेस एंट्री फीस भी है, ठीक है। फोर्टोना सिक्स में देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। ए वैन भी लास्ट मैच में 2 बार की फुल बॉलिंग किए तो फिर पहले वाली मैच में भी 1 ओवर बॉलिंग किए तो फिर इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। इस मैच में हो सकते 2 से लेकर 3 विकेट भी लेकर जा सकती है। आईजिंग ये भी बहुत अच्छा पिक रहेगी, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। एन लेगुआ से फिर एन लेगुआ और या फिर ई फेरी ये दोनों अच्छे रहेंगे। जब पहले बॉलिंग करेंगे गिब्राल्टर तो हम इन दोनों को एक साथ में जरूर लेकर जाइएगा, मैंने अभी के लिए दोनों को पिक किया हूँ, ठीक है। ए ओवर डीजे के लिए लास्ट मैच 1 ओवर बॉलिंग किए तो पता नहीं इस मैच में बॉलिंग करेंगे या फिर नहीं, तो आप चाहो तो इनको बैक कर सकते हैं। मेरा फाइनल टीम इनको जरूर पिक करने की कोशिश करूँगा, अभी इतना पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एन रॉबसन इनको पिक कर सकते हैं, अभी आप 1 से लेकर 2 बार पीछे बॉलिंग करेंगे। जब गिब्राल्टर पहले बॉलिंग तभी पिक करना, अदरवाइज सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। बॉलिंग से सी डी लिंच, फिर देखिए ए थॉम्पसन, ए थॉम्पसन देखिए लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था लेकिन पहले मैच में 2 ओवर बॉलिंग किए तो 3 विकेट चटकाए थे। मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि ये खिलाड़ी पार्ट टाइम वाले काफ़ी कवर बॉलिंग करती है,
तो हो सकती है इस मैच में बॉलिंग करके जाए तो पिक करके रख लीजिएगा हाई सिलेक्टेड प्लेयर, अगर बॉलिंग करेंगे तो विकेट भी लेंगे और आपका टीम भी खराब करके जा सकते हैं। देखिए जल्दी में नाभिक ने पिक करके रख लिया। फिर देखिए इवान लिंच मास्टर पिक रहेंगे, आई वैंडर वांग दोनों मैच में बॉलिंग किए तो ये भी मास्टर पिक रहेंगे। और दोस्तों एक और ऑप्शन रहेंगे, आप यहाँ पर देखिए इन दोनों में से किसी एक को बैक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे पिक कर लेना। या फिर दोस्तों एच लैंडर अभी तक बॉलिंग नहीं किया तो अगर बॉलिंग करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो इनको बैक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर हेटर स्विचर खेलेंगे तो इनको सीधा सीधा पिक करके जाइएगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो फिर आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। नाभिक के लिए ए बोबा डीजे को जगह दिया हूँ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि नेदरलैंड जब फिर बैटिंग करेंगे तो इन दोनों के एक साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं। आई जिलिंग भी बहुत अच्छा पिक रहेंगे क्योंकि वन डाउन पर लास्ट मैच बैटिंग दिए थे, ठीक है, वन से लेकर टू डाउन के बीच में बैटिंग आ जाएंगे और दो बार की फुल बॉलिंग, तो ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो मैंने अभी के लिए कैप्टनसी दोस्तों यहाँ पर दिया हूँ सी डी लिंच को और वाइस कैप्टन ईवान लिंच को, बिल्कुल फाइनल नहीं है, फाइनल टीम आपको चेंजेस देखने मिल सकते हैं। तो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। देख सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन बी डी लिंच को जगह दूँ, फिर देखिए अभी एस कैलिस को पिक किया हूँ, आई जूनिंग पे देखिए ए फैन बिगो और ए फोर डीजे के और ए ई फेरी और ए पर ए लेगो का पिक किया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में ए थॉमसन सी डी लिंच और ईवान लिंच और आई हैंडर ऑन को मैंने पिक किया हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन और ग्रैंडी के क्या करना है। देखिए इन दोनों को जरूर बैक कीजिएगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर आप देख सकते हैं इनमें से और इनमें से सारे कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए। यानी दोस्तों की तरफ आपको नाइन खिलाड़ी देखने को मिल रहा है, इन नाइन खिलाड़ी को बारी बारी में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। और स्पेशल अगर तीन से चार खिलाड़ी की बात की जाए तो देखिए ये दोनों ओपनिंग पर आएंगे तो मस्ट पिक रहेंगे, इन दोनों को जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों फिर आई जिलिंग फिर दोस्तों फिर आई सी डी लिंच और ईवान लिंच पाँचों को स्पेशल, इन पांचों को तो मैं आपको टिक मार के दिखा रहा हूँ, इन पांचों को कैप्टन वाइस कैप्टन बारी बारी में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, ये पांचों आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको एक बार जुड़ना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फिर देर की बात किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, ऑफर आपको लिंक मिलेंगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा किस चैनल में जुड़ जाओगे। या फिर अपना टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए, ऑफर जाकर स्किन फैंटेसी जो नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम नाम सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब जुड़ोगे तो ये चैनल देख के जुड़ा क्योंकि सेम नाम पर काफ़ी सारे फेक चैनल खुल चुके हैं, तो फेक चैनल से दूरी बना कर रहिएगा नहीं तो आपका लोकसान भी हो सकता है। और मेरे नाम लेके आपसे कोई भी पैसा मांगे तो किसी को मत दीजिएगा क्योंकि कभी भी पैसा लेकर कम नहीं करता हूँ, नामेगा भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।